भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, अपना दल और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उनके द्वारा सभी दलों के द्वारा समर्थित जो प्रत्याशी आपके बीच में कृपा शंकर सिंह जी, तो आपके जौनपुर के जाने पहचाने चेहरे हैं। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके बीच में आया हूं जौनपुर की सागंज की धरती पर। मैं सबसे पहले इत्र इमरती और अपनी ईमानदारी के लिए विख्यात जौनपुर की इस धरा को नमन करता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। देखो, हम लोग जब करेंगे अच्छा करेंगे। आपको सागंज को हमने ऐसा मोटा विधायक दिया है कि विकास सरकार से भी कराता है और अपनी तरफ से भी विकास कराता है, और ऐसा ही सांसद भी देने जा रहे हैं कृपा शंकर के रूप में। नाम ही कृपा शंकर है, आपकी कृपा बन जाए और शंकर की कृपा हो जाए तो विकास को तो कोई माइकालाल रोक ही नहीं सकता है, और इसीलिए आज मैं आपके बीच में आया हूं कि इत्र की सुगंध और इमरती की मिठास के साथ साथ जौनपुर वासी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है अपनी ईमानदारी का विश्वास भी वहां उसने छोड़ा है। इस धरा को नमन करता हूं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा का चुनाव चार चरणों का संपन्न हो गया है। कल पांचवां चरण है और छठे चरण में आपको ही मतदान करना है। लेकिन पहली बार है 4 जून को क्या होने जा रहा है दुनिया भी और देश भी इस बारे में पहले से ही अनुमान लगा चुका है। परिणाम के बारे में निश्चिंत है, और परिणाम क्या होने जा रहा है कि फिर एक बार और अब की बार 400 पार की जब आप बात करते थे सपा कांग्रेस के लोगों को चक्कर आने लगता है, कहते 400 पार कैसे हो सकता है। हमने कहा इस बार देखना होगा, जरूर होगा, तो जनता जनार्दन ही उन्हें जवाब दे देती है। और जनता जनार्दन क्या कहती है, जो राम को लाए हैं राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो दुनिया के लिए असंभव था, जो कांग्रेस के लिए असंभव था, जो समाजवादी पार्टी के लिए असंभव था, मोदी जी ने संभव बनाया। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करवा करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया। अब मुझे बताओ, आप में से कितने लोग राम भक्त हैं? राम भक्त अपना हाथ खड़ा करो और हाथ नीचे कर लो। आप में से कितने रावण के भक्त हैं? रामद्रोही कितने हैं? कोई है क्या रामद्रोही? कोई भी अपने को रामद्रोही नहीं कहेगा, राम विरोधी नहीं कहेगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आज भी रावण समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रूप में उसका जिन्न आज भी मौजूद है। आप मुझे बताओ, इनके कारनामे तो रावण जैसे ही है। आप सोचो, कांग्रेस ने अपने समय में क्या कहा, राम हुए ही नहीं। इनके एक बुद्धिदाता कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते राम का मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए।